गुड इवनिंग साथियों, जैसा कि आप सभी को पता भी है कि सूचना सहायक की जिस भर्ती का आप इंतजार कर रहे थे, वो भर्ती का नोटिफिकेशन आज 16 जनवरी को आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सूचना सहायक की इस भर्ती के लिए कौन कौन इस भर्ती को अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इस भर्ती के लिए योग्यताएं रहेगी और क्या हमारी यहाँ पे एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी। इस सूचना सहायक की भर्ती के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आज के हम इस सेशन के अंदर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम चैनल जीडी कैंपस को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सूचना सहायक की जो भर्ती है, वो भर्ती कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा है और 16 जनवरी को आज इसका नोटिफिकेशन आया है, विज्ञापन क्रमांक ये है। और इस भर्ती के हमने पूरा पढ़ लिया है और इसके बारे में पूरी जो एनालिसिस करके जो बातें आपके काम आनी चाहिए वो सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की इस भर्ती के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स। देखिए, ये जो भर्ती है सूचना सहायक की जो भर्ती है, ये एक सीधी भर्ती है जिसको कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, RSMSSB। ठीक है, और इस भर्ती के लिए टोटल अभी जो पोस्ट बात करें तो 2730 पोस्ट है। कैसे रहेगी सारी डिटेल आगे बात करते हैं। देखिए, ये RSMSSB रिक्रूटमेंट है 2023 के लिए पहला। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने सूचना सहायक की सीधी भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 16 जनवरी को जारी कर दिया गया है। ठीक, RSMSSB की इस भर्ती में कुल 2730 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए चयन किया जाना है। इसमें बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के लिए 2415 पद है और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के लिए 315 पद है। तो 2415 और 315 टोटल मिला के ये 2730 पदों के लिए विज्ञप्ति है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक की 2730 पदों की भर्ती पर जो योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेंगे। वेबसाइट पर तो समय रहते आप rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सलाह यही है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। RSMSSB जो भर्ती है उसके लिए जो तिथि की बात करें तो 27 जनवरी से शुरू होकर इसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी 25 फरवरी तक। और एग्जाम की बात करें तो अप्रोक्स जुलाई के अंदर ये संभावित है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 21 साल के लिए और मैक्सिमम 40 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट के नियमानुसार जो छूट है वो भी इसमें शामिल है। वेतनमान की बात करें तो 26,300 रुपये इसका वेतनमान है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार जो पेंशन प्रक्रिया है वो इसमें लागू रहेगी, OPS। आवेदन की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे आती है। इसमें कौन कौन इसके लिए पात्र होंगे तो उसके लिए आपको बता देते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर अभियांत्रिकी और कंप्यूटर एप्लीकेशन और यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्च स्तर की डिग्री इसके समकक्ष योग्यता में है। कहने का मतलब ये छोटी सी बात यही समझिए, कंप्यूटर के अंदर जो BCA किया हुआ है, MCA किया हुआ है वो इसके अंदर पात्र होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जो पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट है उससे अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। इसमें 3 साल का कम से कम डिप्लोमा मान्य है। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता में, और साथ में हिंदी और इंग्लिश के लिए 20 शब्द प्रति मिनट का टाइपिंग आपकी स्पीड होनी चाहिए। 20 शब्द प्रति मिनट ये ज्यादा नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। अब सूचना सहायक की भर्ती के लिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो सामान्य वर्ग और क्रिमिलियर श्रेणी यानी OBC अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये होंगे, और राजस्थान के नॉन क्रिमिलियर श्रेणी यानी OBC के लिए और पिछड़ा
अति पिछड़ा वर्ग होगा और ईडब्ल्यूएस इसके लिए ₹350 होगा और समस्त जो विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित एससी एसटी के जो आवेदक है उनके लिए ₹250 होगा। अब उनकी आय ₹2,50,000 से कम होनी चाहिए। उन उम्मीदवारों के लिए सबके लिए ₹250 होगा। आवेदन के लिए जो निर्देश हैं उनकी बात करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। अब फोटो जो यूज करते हो वो 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, चेहरा साफ दिखना चाहिए, फॉर्मेट ये होना चाहिए। और आगे बात करें तो जब आप आवेदन करते हो तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया है, आवेदन का लिंक एक्टिव नहीं है। 27 जनवरी से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा, तब अभ्यर्थी आपका इस rsmssb.rajasthan.gov.in पे जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। सूचना सहायक की इस भर्ती का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, सभी को बधाई हो, सभी अपनी तैयारी में जुट जाए। आज की इस भर्ती के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीडी कैंपस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।